कंसेप्ट ऑफ एजेस, ठीक है। आपको पता है मैथ्स का एक टॉपिक है एजेस, जो कि आपके जेके एसएसबी में भी पूछा जाता है, बैंक में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। मतलब ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है एजेस, जिसका क्वेश्चन आप हर किसी एग्जाम में देखोगे, चाहे आप जो मर्जी एग्जाम दो, आपको एजेस का एक या दो वेटेज का क्वेश्चन जरूर नजर आएगा। तो ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एजेस मतलब एजेस का मैं एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप उसी कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विद इन 30 सेकेंड्स। 30 में मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी खासी है तो आप 15 से 20 सेकेंड्स के अंदर एजेस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आपको कंसेप्ट अभी बताऊंगा, ठीक है। बट कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी अनाउंसमेंट कर लेता हूं। हमारे जो फ्रेश ऑनलाइन बैचेस हैं, ऐसे तो हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बट हमारे जो फ्रेश ऑनलाइन बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 4th ऑफ अगस्त से, ठीक है। वो स्पेशल डिस्काउंट पे रहेंगे, ठीक है। आपको पता है रक्षाबंधन आ रहा है, तो स्पेशल डिस्काउंट पे हमने सोचा है 3 बैचेस रन करने का। पहला बैच रहेगा आपका जेके बैंक PU/बैंकिंग एसोसिएट, जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। 2 घंटे डेली क्लासेस रहेंगी, मंडे टू सैटरडे। उसके बाद नेक्स्ट बैच है हमारा क्लास 4th का, जो कि आपको पता है इसकी भी वैकेंसी आ गई है, जिसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर को 1 से 3 बजे। और जो एक और बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट का, जिसकी टाइमिंग रहेगी रात के 9 से 11। तो तीनों हमारे ये फ्रेश बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 4th ऑफ अगस्त से, ठीक है। तो मैं इन बैचेस की थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दूं, क्या रहेगा बैचेस में, हाउ दिस बैचेस विल रन, ठीक है। एक तो आपको पता है, देखिए डेली जो है आपकी डेली 2 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम है, ठीक है। पहला क्या रहेगा, डेली आपकी 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी इस पे जूम ऐप पे। उसके बाद यूट्यूब प्राइवेट लिंक मिलेगा आपको, किसका, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके आपको यूट्यूब के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, हर एक टॉपिक की पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ्स विल बी प्रोवाइडेड, हर एक टॉपिक्स की क्या की जाएगी, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा आपकी उसको एक पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहता है, हर संडे, संडे ऑफ नहीं रहता है हमारा, संडे हमारा क्या रहता है, क्विज सेशन रहता है। संडे को हम क्विज कंडक्ट करते हैं, और जो क्विज हम कंडक्ट करते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता है, आपने सर्च करना है स्पार्क इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्पार्क इंस्टीट्यूट के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम पर्टिकुलर बैचेस की क्विज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जेके बैंक का हमने जितना पढ़ा होगा वीकली, हम संडे को उसका टेस्ट रखेंगे। क्लास 4th में हमने जितना पढ़ा होगा हम उसका संडे को टेस्ट रखेंगे। इसी तरह अकाउंट असिस्टेंट का हमने पूरे हफ्ते में जितना पढ़ा होगा उसका हम संडे को टेस्ट रखते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, और हमारा क्या रहता है, हमारी जो है फ्री डेमो क्लासेस रहती है, फ्री 2 डेमो क्लासेस हमारी जो है हर एक बैच के हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूं जेके बैंक की, तो आपको रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स के 2-2 डेमो फ्री दिए जाएंगे। सिमिलर रीजनिंग इंग्लिश मैथ क्लास 4th की बात करूं, और साथ में जनरल नॉलेज प्लस साइंस के 2-2 डेमो फ्री मिल जाएंगे। और अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं, तो अकाउंट असिस्टेंट के अंदर जितने आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, साइंस, तो कंप्यूटर, उसकी भी आपको 2-2 डेमो क्लासेस जो है फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड होते हैं तो आपने अपने आप को एनरोल कराना है इस बैच के लिए। एनरोल करने के लिए आपने क्या करना है, या तो व्हाट्सएप करना है या कॉल करनी है, किस नंबर पे, नंबर में यहाँ लिख ले रहा हूँ 9041021984। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9041021984 ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपना इंक्वायर कर सकते हैं इन तीनों में से किसी बैच के लिए, ठीक है। तो आइए अब हम सेशन में स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एजेस। तो आइए कंसेप्ट ऑफ एजेस में आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन एज का आएगा हम वैसे करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास दो पर्सन हैं ए और बी, ए और बी आर 2 पर्सन। मैंने मान लिया 2 पर्सन है ए और बी। मैं मान लेता हूं प्रेजेंट एज जो है ए की है 30 ईयर्स, मैंने मान लिया ए जो है 30 सालों का है, खुद से अज्यूम कर लिया। और बी मैं मान लेता हूं खुद से 40 सालों का है, ठीक है। मैंने माना प्रेजेंट एज में ए जो है वो 30 सालों का है और बी जो है वो 40 सालों का है, ठीक है।
तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इनकी एज डिफरेंस बताओ तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों की एज का, दोनों की एज का डिफरेंस कितना आएगा? 40 और 30 का डिफरेंस क्या होता है? 10, यानी डिफरेंस कितना आया? 10 आया। ठीक है, सपोज आज से मैं 6 साल बाद की बात करता हूं, 6 years आफ्टर, आफ्टर को आप हेंस भी देख सकते हो पेपर में, कभी कभी पेपर में हेंस लिखा हुआ होता है। ठीक है, आफ्टर 6 साल अगर बाद की बात करूं तो ए अगर अभी 30 सालों का है तो 6 साल के बाद कितने का हो जाएगा? अगर ए राइट नाउ 30 years का है तो 6 सालों के बाद कितने का हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 36 years का? 6 ऐड कर दो 30 में। इसी तरह अगर बी अभी 40 सालों का है तो बी 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? बी 6 साल बाद 46 years का हो जाएगा। ठीक है, ए अगर अभी 30 का है तो 6 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 36 का। इसी तरह बी अगर 40 का है तो 6 साल बाद वो भी कितना हो जाएगा? 46। अब दोनों की एज का डिफरेंस क्या है? अब दोनों की एज का डिफरेंस क्या है? अब दोनों की एज का डिफरेंस तब भी सेम है 10, 46 माइनस 36 10। अच्छा, आज से अगर मैं 10 साल पहले बात करूं, प्रेजेंट से देख रहा हूं मैं, प्रेजेंट से 20 years बैक, 20 years एगो या बैक या बिफोर भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आज से मैं 20 साल पहले की बात करूं तो ए अगर अभी 30 सालों का है तो 20 साल पहले वो कितने का रहा होगा? 10 सालों का, 10 इयर्स का। और इसी तरह बी अगर अभी 40 का है तो 20 साल पहले वो कितने का रहा होगा? 20 सालों का। ठीक है, अब दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 20 और 10 का डिफरेंस, अब दोनों की एज का डिफरेंस अभी भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, यानी डिफरेंस यहां पे भी 10, यानी डिफरेंस यहां पे भी 10 और डिफरेंस यहां पे भी 10। तो इस कंसेप्ट से हमें क्या पता चला कि जो एज डिफरेंस होता है, जो आपका एज डिफरेंस होता है ना किसी भी दो पर्संस का, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, जो हमारा एज डिफरेंस होता है ना दो पर्संस का, वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो आइए अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। देखिए क्या क्वेश्चन है, एजेस ऑफ ए एंड बी, दो पर्संस हैं ए और बी, उनकी एज का रेशियो दे रखा है 6:5, दो पर्सन है उनकी एज का रेशियो दे रखा है 6:5। फिर बोला है आफ्टर 9 years, 9 साल के बाद क्या हुआ? The ratio of their ages will be 9:8. 9 साल के बाद क्या हुआ? जो दो persons थे A और B, उनकी age की ratio हो गई 9:8. तो बताओ what is the present age of A? A जो है अभी कितने सालों का होगा? ठीक है, तो समझना इसको अच्छे से, देखिए ये आया A और ये आया B। ठीक है, first line देखिए, A और B की ratio क्या दे रखी है? 6:5। A और B की ratio क्या दे रखी है? 6:5। तो 6:5 ये आ गई उनकी प्रेजेंट एज की रेशियो। क्लियर, अब आफ्टर 9 years, 9 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो आफ्टर हम नीचे को लिखेंगे, आफ्टर 9 years, 9 साल अगर बाद की बात करें तो 9 साल बाद की रेशियो क्या दे रखी है? 9:8। 9 साल बाद की रेशियो दे रखी है 9:8। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था? डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए पहले 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1। 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 है। और 9 और 8 का भी डिफरेंस कितना है? 1 है। यहां मैं लिख लेता हूं डी, यानी डिफरेंस। हमेशा हमने ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्या करना होता है? डिफरेंस चेक करना होता है। 6 और 5 का डिफरेंस 1, 9 और 8 का डिफरेंस 1। अब यहाँ तो डिफरेंस सेम है, अगर सेम नहीं होता तो हम उसको सेम करवाते, कुछ क्वेश्चन आगे मैं करवाऊंगा जहां पर डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो देखिए 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 है। और 9 और 8 का भी डिफरेंस कितना है? 1 है। अब नीचे को चेक करेंगे, ए जो था 6 से कितना हो गया? 9 हो गया। ए जो था रेशो 6 थी, बाद में कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? 3। बी जो है 5 था, 8 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? ये भी 3 इंक्रीज हुआ और ये भी 3 इंक्रीज हुआ। नीचे वो देखेंगे हम, एरो मार रहा हूं ठीक है समझने के लिए। पहले तो डिफरेंस चेक करना आपने, पहले हमेशा हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो 6 और 5 का डिफरेंस हमने लिया, वो क्या आया? 1। 9 और 8 का डिफरेंस हमने लिया, वो भी क्या आया? अगेन 1। अब नीचे को चेक करेंगे, ए जो था पहले 6:1 था, अब 9:1 हो गया, कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। बी जो है पहले 5:1 था, अब 8:1 हो गया, कितना ऐड हुआ? ये भी 3।
तो 3 यूनिट्स की वैल्यू आप क्या लोगे, 3 यूनिट्स की वैल्यू लोगे आप, टोटल साल कितने दे रखे हैं, 9 साल, टोटल साल कितने दे रखे हैं, 9, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 9 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की आएगी 9.3 = 3 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 3 साल। आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज में कितने यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स है ना, ये है प्रेजेंट एज और ये 9 साल बाद की एज है, तो प्रेजेंट एज में ए के कितने यूनिट्स हैं, 6, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 6 यूनिट्स की क्या हो जाएगी, 6 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 3 = 18 ईयर्स, यानी जो आपका ए है वो कितने सालों का है, अभी 18 सालों का इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर, अमित और उसके फादर की एज का जो है रेशियो दे रखा है 2:5, ठीक है, फिर आपसे बोला है आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद क्या होता है, अमित और उसके फादर की एज की रेशियो हो जाती है 5:11, तो बताइए फादर जो है प्रेजेंट एज कितनी होगी, ठीक है, तो देखिए ये आया अमित और ये आया फादर, प्रेजेंट एज की रेशियो क्या दे रखी है, प्रेजेंट एज की रेशियो है 2:5, अमित और उसके फादर की प्रेजेंट एज की रेशियो है 2:5, फिर बोला है आफ्टर 4 ईयर्स, तो आफ्टर है तो नीचे को लिखो आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद ये रेशियो क्या होगी, 5:11, 4 साल के बाद ये रेशियो क्या होगी, 5:11, तो मैंने आपको बताया पहला काम क्या रहता है हमारा, एज डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3, 11 और 5 का डिफरेंस कितना है, 6, यहां डिफरेंस 3 है, यहां डिफरेंस 6 है, तो अभी मैंने आपको बताया एज डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, तो यहां डिफरेंस 3 है, यहां डिफरेंस 6 है, तो मुझे इसको 6 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से, तो 2 से इन दोनों को भी करना पड़ेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, अब देखिए 4 और 10 का डिफरेंस कितना है, 6, 5 और 11 का डिफरेंस कितना है, 6, ठीक है, डिफरेंस सेम हो गया ना, अब नीचे को चेक करें, अमित जो था वो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ, +1, और फादर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, ये भी कितना इंक्रीज हुआ, +1, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप क्या लोगे, टोटल साल वो कितने हैं, 4 साल, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 ईयर्स है, आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, ये नहीं है अब, ये है डिफरेंस सेम करने के बाद, तो फादर कितने साल हो गया, 10 यूनिट्स का है, तो 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 × 4 = 40 ईयर्स इज द आंसर, यानी फादर की प्रेजेंट एज क्या आई, 40 ईयर्स, ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम ऐसे ही करेंगे, विद इन आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 15 to 20 seconds इट विल टेक, ठीक है, तो आज के सेशन में इतने रखते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है हमारे बैचेस के बारे में, आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो या तो व्हाट्सएप करिए या तो कॉल करिए 9041021984 पे, आपको बाकी की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।